हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लेवर फेस्ट विद दिया में। दोस्तों, आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको राजमा राइस। तो जो सबके फेवरेट होते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, इसे अलग अलग तरीके से सब खाते हैं किसी। तो सबसे पहले हम लेंगे, देखिए मैंने राजमा जो है रात को भिगो के रखे थे, मैंने बॉयल कर लिया है इन्हें। और छौंक बनाने के लिए मैंने टमाटर और प्याज का पेस्ट रेडी किया हुआ है। कुकर में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब मैं इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। गर्म होने पर मैंने देखिए जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है, मैं इसे थोड़ा सा और पकाऊंगी जीरा और अजवाइन को। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैंने जो प्याज का पेस्ट रेडी किया हुआ था वो इसमें ऐड कर दूंगी। धीरे 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 डालना होता है दोस्तों। प्याज का जो पेस्ट होता है आपको पता है, मैंने कई वीडियोस में आपको बताया भी है, हमें थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है। अच्छे से मिक्स कर लूंगी मैं, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक इसे पकाऊंगी। अब मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया है। दोबारा दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाना होगा दोस्तों। थोड़ा सा इसे पकाने के बाद अब मैं इसमें मसाले ऐड करने वाली हूँ। सबसे पहले मुझे डालना होगा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी मैं डालूंगी हल्दी, थोड़ा धनिया पाउडर, दोस्तों मैंने नमक नहीं डाला है अभी, क्योंकि मैंने जब राजमा बॉईल किए थे उसमें मैंने नमक डाल दिया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर अभी आप दोबारा नमक ऐड करेंगे तो आपको पता है सब्जी हमारी कैसी हो जाएगी, इसलिए हमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड करना है। अच्छे से मसाले को अब मैं पकने दूंगी। मसाला हमारा तब तक पक चुका होता है दोस्तों जब तक उसमें थोड़ा सा तेल जो है साइड में छोड़ ना दिया हो। मसाला पकने के बाद मैं अब इसमें राजमा ऐड करूंगी। मैं सबसे पहले दोस्तों राजमा डालती हूँ ताकि मैं इन्हें अच्छे से थोड़ा सा मैश कर सकूँ, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करती हूँ। तो आप देखिए, सबसे पहले मैंने राजमा डाल दिए हैं इसके अंदर। अच्छे से फिर इनको मिला के अच्छे से मैश करना होगा। मैश करने के बाद जो राजमा का जो पानी था बॉईल किया हुआ वो ही मैं इसमें ऐड करूंगी। और आप अपने हिसाब से इस सब्जी को कैसी भी ग्रेवी में देख सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, जैसी आपको खानी पसंद हो। अच्छे से मिक्स कर लूंगी इसे मैं, देखिए धीरे धीरे। और मैंने फ्लेम जो है हाई कर दिया है, क्योंकि अब मैं मुझे ये पानी थोड़ा सा बॉईल करना है। अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा धीरे धीरे अपने हल्के हाथ से राजमा को मैश करेंगे धीरे धीरे, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी आए। अब मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए दोस्तों मैंने हाई फ्लेम रख दिया है इसे बॉईल होने के लिए। देखिए बॉईल हो चुका है पानी, आप देख सकते हैं धीरे धीरे पानी उबल रहा है। अब मैं इसमें कुकर को बंद कर दूंगी और इसे दो सीटी लगाने तक पकाना है। चलिए दोस्तों, जब तक हमारे राजमा बन के रेडी होते हैं तब तक हमें राइस बना लेने हैं। तो हम मैंने कुकर लिया है, उसमें घी डाला है या ऑयल भी डाल सकते हैं आप। थोड़ा सा उसमें मैंने जीरा डाला है और जो राइस मैंने थोड़े से धो के इसमें डाल दिए हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं, आपको कितने चावल बनाने हैं। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूंगी, मिला देंगे अच्छे से। और
थोड़ा पानी को बॉयल होने देंगे और कुकर को बंद कर दूंगी मैं। देखिए 2 से 3 सीटी के बाद देखिए आप मेरे राजमा और मेरी ये क्या बोलते हैं राइस आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। चलो आप देखिए जल्दी फटाफट इस रेसिपी को ट्राई कीजिए घर पे बहुत इजी तरीके से। ये देखिए मैंने थोड़े से इसमें पापड़ भी ऐड किए हैं, आप किस तरीके से भी इस सब्जी का स्वाद ले सकते हैं राइस के साथ किसी चीज और के साथ। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए।